हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो स्पेशल गर्ल्स के लिए है, जो है एवरयूथ एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। आज हम स्क्रब करने वाले हैं और मैं इसमें दिखाने जा रही हूँ कि हम कौन सी टेक्निक्स से कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक्स से हम स्क्रब कर सकते हैं। कुछ लड़कियों को मन में सवाल होता है कि स्क्रब करना अच्छा नहीं होता, स्किन ख़राब होती है, तो उन लड़कियों को मैं बता दूं कि स्क्रब ख़राब नहीं होता है, स्क्रब अच्छा होता है स्किन के लिए। तो हम स्क्रब लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, ये स्क्रब लेना है हमें एवरयूथ का एक्सफोलिएटिंग वॉलनट स्क्रब। कॉइन साइज़ का लेना है, थोड़ा ही अप्लाई करना है हमें इसे। तो हम इसे ले लेंगे, अपने दोनों हाथ से हम ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इसे। इसमें ना छोटे छोटे दाने होते हैं, देखो छोटे छोटे दाने होते हैं, इसे हम स्क्रब करते हैं। सबसे पहले हम नोज़ से चालू करेंगे, ये नोज़ पॉइंट से हम चालू करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे हम उसे राउंड करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए करना है। कोई भी चीज़ हम ज़्यादा करते तो वैसे भी स्किन ख़राब ही होती है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे हम इसे, 30 सेकंड के लिए करेंगे। नोज़ पे करना है इसे, चीन पे करना है ऐसे। हम हेड पोर्शन पे जाएंगे, तो ज़्यादा हम दबा के नहीं करेंगे, हम इसे एकदम सॉफ्टली करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके जो पोर्स होते हैं उससे हमारी स्किन बहुत ख़राब हो सकती है। तो ज़्यादा हम उसे प्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम ऐसे ही सर्कुलर मोशन में इसे घुमाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है हमें कि हम उसे आईज़ और लिप्स पे टच ना करें, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। सिर्फ स्किन के लिए है तो ये हम स्किन पे ही लगाएंगे, लिप्स और आईज पे टच नहीं होना चाहिए। अगर जो आपको ज़रूर पड़ रही हो तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज़ करते हैं इसके लिए। अब इसके बाद हम फेस वॉश करके आएंगे वाटर से। मुंह धो के आने के बाद हम एक सॉफ्ट टॉवल से एक्सेस वाटर जो है वो हम क्लीन कर लेंगे इस टॉवल से। जैसे कि आप रिजल्ट देख ही सकते हो, स्किन पे कैसा निखार आ जाता है, एक ग्लोइंग। सो अगर जो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।